नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नागालैंड में भीड़ ने बलात्कारी को पीट पीट कर मार डाला। नागालैंड के दीमापुर में हजारों लोगों की गुस्साई भीड़ ने दीमापुर सेंट्रल जेल में बंद एक आरोपी को जेल से बाहर निकालकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। बाद में लोगों ने उसे चौराहे पर ले जाकर फांसी पर लटका दिया। जानकारी के मुताबिक आदिवासी लड़की से बलात्कार 23 फरवरी को हुआ था। इस मामले में केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है। पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक सहित शहर के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को बीती रात निलंबित कर दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को स्वाइन फ्लू की आशंका। समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ से दिल्ली लाया गया है। फिलहाल मेदांता में उनका इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ है, हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। योगेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर होने के बाद अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। गुड़गांव के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यादव समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के शहर में प्रदर्शन किया था। 21 फरवरी को योगेंद्र यादव ने जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत की थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद गीदड़ की औलाद शिवसेना ने कहा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में मुफ्ती मोहम्मद सईद पर विवादित टिप्पणियां की हैं। संपादकीय में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री सईद को गीदड़ की औलाद कहा है। संपादकीय में लिखा है कि PDP और भाजपा का गठबंधन देश को संकट में डालने वाला सिद्ध होगा। राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर सईद की टिप्पणी पर शिवसेना ने सामना में निशाना साधा है। साध्वी बालिका सरस्वती पर मामला दर्ज। विश्व हिंदू परिषद की नेता और साध्वी बालिका सरस्वती के खिलाफ मंगलूर में भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। साध्वी यहां 1 मार्च को आयोजित हिंदू समाजोत्सव में प्रमुख वक्ता थीं। पुलिस ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर देने वाले एक संगठन कोमू सौहार्द वेदिके के दक्षिण कन्नड़ जिला अध्यक्ष सुरेश भट्ट बकरवेल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय मछुआरे आए तो गोली मार दो, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने यह कहकर विवादों को हवा दे दी कि श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसने पर भारतीय मछुआरों को गोली मारी जा सकती है। विक्रमसिंघे ने भारतीय मछुआरों पर उत्तरी श्रीलंका के मछुआरों की आजीविका छीनने का आरोप लगाते हुए तमिल थाती टीवी से कहा कि यदि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश करता है तो मैं गोली मार सकता हूं। यदि वह मारा जाता है तो कानून हमें ऐसा करने की इजाजत देता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।